सुल्तानपुर लोधी दे नजदीकी पिंड कोठे चेता सिंह वाला विच मामूली गल नूं लै के ट्रैक्टर चालक ने महिला सरपंच समेत परिवार दे पांच व्यक्तियों नूं जानो मारन दी कोशिश कीती। पुलिस वल्लों जख्मियां दे बयान ले जा रहे हन। इस मौके जख्मी मनजीत कौर ने दस्या कि पिंड दे कुछ नौजवान ट्रैक्टर उत्ते उच्ची आवाज विच डैक लगा के घूम रहे सन, जिस नाल सारा पिंड परेशान सी। जद उस दे पति ने नौजवानां नूं गीत बंद करन लई कहा तां उन्हां ने गालां कढ़ियां ते कुछ देर बाद होर नौजवानां नूं नाल लै के घर विच दाखल हो के साडे ते हमला कर दिता। उन्हां दस्या कि उक्त नौजवानां ने साडे परिवारक मैंबरां उत्ते ट्रैक्टर भी चढ़ा दिता ते पिंड वासियां ने सानूं जख्मी हालत विच सरकारी हस्पताल पहुंचाया। इस मौके सरपंच मनजीत कौर अते उन्हां दे परिवारक मैंबरां ने मांग कीती है कि दोषी नौजवानां नूं गिरफ्तार करके उन्हां खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती जावे। मौके ते पहुंचे SHO बिक्रम सिंह ने दस्या कि मामले दी जांच कीती जा रही है अते जख्मियां दे बयान लै के कानूनी कार्रवाई कीती जावेगी। सुल्तानपुर लोधी तो रिकेश कुमार दी रिपोर्ट, A7 पंजाब। घटना ये हुई है भाई, ये अपने ट्रैक्टर के गंदे गाने ला के उच्ची उच्ची तो ना पिंड के चार पाँच गेड़े जो कढ़ गया तो फिर साढ़े सरपंच साहब साढ़ा वीर उन्हें उन्होंने ये गल कही भी काका चलो तुमने दो चार गेड़े जो कड़ने पाँच कड़ लिया हूँ तुम आप घर चल जाओ। घर जाने की बजाय जाके घर चो होर दो चार बंदे लै आए, उत्थे काफ़ी बोल बुलारा जहा होया। असी अपने घर वन हो गए, वो थोड़े पछाण हो गया। उन्हें पता नहीं सानू भी इन्ने बंदे वो कितों कट्ठे करके लै आए आ। साड़ी तो भी वो गिणती तो बंदे जे मुँह कौन तो बाहर आ, भी 40 भी हो सकते, 50 भी हो सकते। नेरी रात सी तो धक्का साढ़े ना उन्हें बहुत ज़्यादा किया वा, घर जाके किया वा, बिल्कुल साढ़े बूहे के मूहरे जाके किया वा। तो असी तो फिर भी साडा कोई इदा इरादा नहीं कि साढ़े ना ये काम हो जूगा। उन्होंने साढ़े तो वटिया नाल दातरा ना कृपाना ना हथियार नाल साढ़े तो उन्होंने वार किए। कुल किन्ने बंदे अंदाजन किन्ना है? बंदे 40 तो घट नहीं होणगे जी। ठीक है जी। हाँ जी, मांग की कर दो पुलिस? मांग ही इंसाफ कर दें, साढ़े मन साफ मिल जाए, धक्का होया साढ़े ना। तुसी मौत वारी हो, तुसी पिंड दे की तुहाडे कहना नहीं मन्निया नौजवानां ने? महाराज जी मोहतपुर होने के नाते तो उन्होंने कहा सी, पर उन्होंने इस गल तो इनकार ही की, तो मन्ने नहीं इस गल। कोई 8 to 9 बजे टाइम होना वा, तो इन्हों लड़के जोड़े से पेल वो आए आने मेरे गेट के पता नहीं मोटरसाइकिल मारिया ज उन्होंने बट्टा मारिया, मैंने नहीं पता इस बारे। मैं अंदर बैठा गुरबाणी सुन दिया, जो मैं बाहर निकलिया वो मोटरसाइकिल गाड़ी लै गए। मुड़ के ये गाड़ी गए इन्हे मेरे दूरे भरावान गाड़ी चीका मारते रहे मारियाँ, तो इन्होंने कहा भी तुम पुत इदा ना करो। जो उतों वो चले गए आ दूसरी बार फिर मुड़ के आए आ, ठीक है इन्होंने कहा वा कि बेटे तुम जाओ घर में, चार पाँच बार इदा आए आ। तो इन्होंने कहा हूँ पुत चले जाओ, उन्होंने तुम ही ना जाने कि उदा हटावे। उन्होंने घर जाके तो लगभग क्या भी सानू फुटिया वा, उन्होंने किया भी 40-50 बंदे मंगा के, सानू तो किसी गल का पता ही नहीं सीगा। तो पहला पाँद आने तो पहला उन्होंने लाइट बंद करवाई आ, लाइट बंद करवा के नेरा करवा के तो फिर आ के साडे ते हमला किया वा। किन्ने बंदे सी जी? घट्टो घट्ट 35 to 40 बंदे सी। इस संबंध में तुसीं पुलिस नूं सूचित किया वा? किया किया। लड़ाई डीजे नूं लै के सी जिहड़े ट्रैक्टर डीजे लगे? हाँ ट्रैक्टर ते डीजे लगे सीगे, गंदे गाने लाए पे चीका मारदे सीगे। कह सारे कि हुल्लड़बाजी कर रहे सी? हुल्लड़बाजी कर रहे सीगे। उन्होंने आण के मेरे गेट दे विच पता नहीं उन्होंने वट्टा मारिया वा जां कोई मोटरसाइकिल मारिया जां की मारिया वा, लेकिन जो मैं बाहर निकल के देखा उस टाइम ते उत्थे कुछ नहीं सीगा। तुसीं समझाउण दी कोशिश नहीं? समझाउण दी कोशिश कीती असीं, लेकिन उन्होंने गाड़ियों उल्ट जाके घर ये गल आखी बी सानू वह पेंदे आई, गल आखी पुत तुसी जाओ तो इदा का काम नहीं करीदा हुंदा। हुण किन्ने जने जख्मी होए? असीं 5 जने जख्मी आ। ताडी जिहड़ी वाइफ आ सरपंच? नहीं मेरी भरजाई आ। अच्छा जी, वह भी जख्मी होए? वह भी जख्मी, ओहदी लत्त फसल ट्रैक्टर चाढ़ दिता। हुण मंग की करदे पुलिस प्रशासन? असीं तो इहो कहिंदे सानू न्याय मिलना चाहीदा। 5 मरीज आए आ जिन्हां विच करनैल सिंह, दलबीर सिंह, करनदीप सिंह, जगदीश सिंह ते एक लेडी है मनजीत कौर जो पिंड दे सरपंच कह रहे हैं। उन्हां दे काफ़ी गंभीर सट्टा लगियां ने,
उन्हों की एम एल आर कट दी गई है, बाकी उन्होंने जो भी एक्सरे एग्जामीनेशन है वो वास्ते उन्होंने भेजा गया। सट्टा किस प्रकार की? सट्टा फिलहाल तो आप एक्सरे एग्जामीनेशन वास्ते भेजे गया, वो जो भी आएगा उस हिसाब न जो भी लोड़ी कार्रवाई वास्ते रिपोर्ट आ पुलिस को भेज दी जाएगी। कोई रेफर भी किया मरीज है? नहीं, फिलहाल इतने ही ने साढ़े को, कोई रेफर नहीं किया गया। की मामला था? ये मामला को ट्रैक्टर तो रोकन उन्होंने रोकया सी, ट्रैक्टर से उच्ची वॉल्यूम के गाने गुने लाए थे, सरपंच पार्टी ने इन्हें रोकया भी इदा नहीं चंगा नहीं लगता, इस करके इन्हों की बहस बुस हो गई। उत्ते फिर इन्होंने लेडी सरपंच सी वो उत्ते ट्रैक्टर चढ़ाता जिंदी एक लत फ्रैक्चर हो गई है, तो तीन चार बंदे होर जख्मी ने इंजर्ड ने, उन्होंने टंटा मारिया कृपाना कृपूना मारिया, जिदा भी ये बयान लिखाएंगे वैसी ऐसी कार्रवाई जी है अमल में लिया देंगे। उन्हें कहने मुताबिक किन्ने बंदे जिन्होंने उन्होंने हमला किया? वो तो पाँच चार तो दस दें, बाकी भी पच्ची अनोन दस दें, जो भी स्टेटमेंट वगैरह लिखाएंगे वो बिहाफ से कार्रवाई कर देंगे, असं किसी नहीं बख्शा, इदा की तो गुंडागर्दी होनी ना देनी कि किसी के उत्ते ट्रैक्टर चढ़ा दो। सरपंच हाँ, राइट साइड की जी लत है ना फ्रैक्चर हो गई है।